अभिनेता रणवीर सिंह का नाम आते ही उनकी अतरंगी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, पर उनके फैंस को रणवीर का यह अंदाज काफी पसंद है। अपने अनोखे अंदाज से ही उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। रणवीर के दमदार किरदार जो उन्होंने फिल्मों में निभाए, उन्हें भी लोगों ने खूब सराहा, चाहे वो खिलजी हो या फिर बाजीराव। रणवीर ने हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया। रणवीर अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखते हैं। कई बार उन्हें बास्केटबॉल और फुटबॉल ग्राउंड पर भी प्रैक्टिस करते देखा गया। वो एक अच्छे प्लेयर भी हैं। इन सब को देखते हुए रणवीर को गुरुवार को भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बॉलीवुड स्टार का कहना है कि उन्हें बचपन से ही बास्केटबॉल और एनबीए से प्यार है। रणवीर ने कहा कि मुझे बचपन से ही बास्केटबॉल और एनबीए से प्यार है। संगीत, फैशन और मनोरंजन सहित लोकप्रिय संस्कृति पर इसके प्रभाव से हमेशा प्रभावित रहा हूं। रणवीर एनबीए के लिए 2021-22 में ऐतिहासिक 75वें वर्ष गांठ सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए काम करेंगे। एनबी द्वारा अपने 75वें सत्र के समारोह की समाप्ति के साथ लीग के साथ फोर्स में शामिल होने और देश में बास्केटबॉल को विकसित करने के उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता। गली बॉय स्टार क्लीवलैंड में एनबी ऑल स्टार 2022 में भाग लेंगे, जहां वह पर्दे के पीछे से सोशल मीडिया कंटेंट पोस्ट करेंगे और एनबीए खिलाड़ियों और दिग्गजों से मुलाकात भी करेंगे। रणवीर इससे पहले टोरंटो में एनबी ऑल स्टार 2016 में शामिल थे, जहां वह एनबी ऑल स्टार गेम में कोर्ट के सामने बैठे थे। एनबी के उपायुक्त और मुख्य परिचालक अधिकारी मार्क टैटम ने कहा कि बॉलीवुड के एक आइकॉन और अपनी पीढ़ी के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं। रणवीर एनबीए के एक समर्पित प्रशंसक हैं। हम उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। रणवीर भारत और दुनिया भर में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर प्रशंसकों के साथ जुड़ेंगे। एनबीए एशिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक स्कॉट लेवी ने कहा कि रणवीर हमारे नए इंस्टाग्राम हैंडल एनबीए स्टाइल के लॉन्च को शीर्षक देने के लिए एक आदर्श राजदूत हैं, जो बास्केटबॉल और संस्कृति के बीच सामंजस्य की खोज करते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो रणवीर को अपनी फिल्म 83 की रिलीज का इंतजार है, जिसकी रिलीज को कोरोना के चलते पीछे कर दिया गया था। यह फिल्म 1983 में विश्व कप में भारत की बड़ी जीत के बारे में है। रणवीर फिल्म में क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभाते नजर आएंगे। कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और साकिब सलीम भी हैं। वह जयेश भाई जोरदार और रोहित शेट्टी की सर्कस में भी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, रणवीर करण जौहर के निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का भी हिस्सा है। फिल्म में आलिया भट्ट, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी सहित स्टार स्टेड कास्ट हैं। रणवीर भी कलर्स क्विज शो द बिग पिक्चर की मेजबानी करके टीवी पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खबर की पुष्टि की थी। एक्टर ने शो का टीजर शेयर किया था। खैर, रणवीर को होस्ट के अवतार में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। INS रिपोर्ट।